जिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीण एसपी से मुलाकात की। सिमरोल में नाबालिग बच्ची के साथ सरपंच द्वारा की गई मारपीट के मामले में फरियादी पर ही मुकदमा दर्ज करने का विरोध जताया और नाबालिग बच्चे पर भी कार्रवाई का विरोध किया। दो दिन पूर्व सिमरोल में सरपंच ने एक नाबालिग बच्ची के बाल पकड़कर मारने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत सिमरोल थाने में फरियादी द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव में क्रॉस कंप्लेंट करते हुए फरियादी पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। इसी को लेकर जिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज ग्रामीण एसपी हितिका वासल से मिला और निष्पक्ष जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि सिमरोल में एक नाबालिग बच्ची के साथ वहां के सरपंच ने बाल पकड़कर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने सिमरोल थाने में की थी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में दोनों पक्षों पर क्रॉस कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस ने थाना प्रभारी पर भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। हमारे आज एसपी मैडम से मिलने का कि हमारे जो सिमरोल थाना है और बड़गोंदा थाना है, महू विधानसभा में ये एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में। इसीलिए जो भी घटना घटित होती है उसमें बीजेपी के जो नेता है उनके दबाव में काम किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। ऐसा ही एक घटना हमारे सिमरोल थाने के अंतर्गत हुई कि वहाँ पे जो आदिवासी बच्ची थी, वहाँ का जनपद डायरेक्टर है दिनेश ओसारी, उमेश ओसारी, जिसने एक 14 साल की बच्ची को बाल पकड़ पकड़ के मारा, पीटा और उसे धरती पर पटका, उसके साथ मारपीट की, उसकी माँ के साथ मारपीट की, और वो वीडियो है, वो वीडियो पूरी तरह हमने मैडम को दिया, थाना प्रभारी को दिया, फरियादी ने, लेकिन केवल जो फरियादी थे उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज किया और ऐसी मामूली धाराएं केवल लगाई जो कि एक छोटे गाली गलौज में लगाई जाती है, तो उसके लिए। और वहाँ पर जो उनका बेटा जो 12वीं में पढ़ रहा है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, उसका भी नाम प्रकरण में इसलिए डलवाया ताकि ये कंप्रोमाइज हो सके। तो थानों में सेटिंग का काम हो रहा है, थानों में थाना प्रभारी द्वारा दबाव प्रभाव में एक पक्षी कार्रवाई करते हैं, या तो फिर उस पर भी वही धारा लगाई जाती है जो पीड़ित पे है और एक आरोपियों पे है। तो इसीलिए जो पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे एक बड़गोंदा थाना प्रभारी हैं, जो कि मेरी समझ से तो उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए कि भाजपा एजेंट के रूप में किस तरीके से काम करना, ये थाना प्रभारी बड़गोंदा द्वारा किया जा रहा, उनकी भी हमने शिकायत मैं प्रमाण सहित यहाँ पर मैडम से करने आए थे। ये 12-14 साल की बच्ची है, नाबालिग है, उसको खूब बाल पकड़ पकड़ के फेंका है, एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है। और TI साहब ने पक्षपात किया उसमें कि इनके पेरेंट्स को भी मुकदमा दर्ज किया है कि राजीनामा कर लें आप लोग, और कंटिन्यू लगातार इस टाइप का हो रहा है सिमरोल थाने में। सिमरोल थाने में कुछ दिन पहले दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके तहत दोनों पे FIR की गई थी। कांग्रेस प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि एक पक्ष जो है उसमें कुछ जो नाम है वो गलत डाले गए हैं, जिसको पुलिस चेक करवाएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रॉपर विधानिक कार्रवाई की जाएगी।